तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है जिसकी सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड का। रिसेंटली इनका वीजा आया है और साथ में हमारे ब्रांच हेड करनाल ब्रांच के मैडम ज्योति भी हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे इनकी हमारे साथ जर्नी कैसी रही है और कितनी इन्होंने डिफिकल्टी फेस की है, कितने टाइम से हमारे साथ जुड़े हो चुका है और कितनी इनके अंदर पेशेंस है। अभी क्या है कि जिसका तो एडमिशन या वीजा आ गया उसके लिए तो हम राजा हैं, जिनका नहीं आया तो उनके लिए हम एजेंट हैं गंदे सबसे ज्यादा, ऐसा है जी। आपका नहीं सबका यही है माइंड में, ये चलता है। तो ठीक है जी, सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस यू मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कौन सी स्टेट के हैं? सर हम हरियाणा के हैं, हरी हरियाणा और करनाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? 2 इयर्स हो गए हैं सर। 2 साल हमारे साथ जुड़े हो चुका है। तो इन 2 साल में कभी आपको हमारे स्टाफ से कोई इरिटेशन, किसी ने इरिटेट किया हो, जहां कोई टाइमली रिप्लाई ना की हो, चाहे हमारा करनाल ऑफिस है चाहे मैं हूं, कभी ऐसा महसूस हुआ हो इन 2 2 ईयर में? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारा स्टाफ कोऑपरेटिव है पूरा। तो कभी ऐसा तो नहीं हमने कभी आपको थ्रेटनिंग देते रहे, मैडम हमने केस नहीं कराना और पैसे दीजिए चले जाएं, ऐसा लगा हो नहीं कभी? नहीं ऐसा तो हुआ नहीं कभी, बट जब ना रिजल्ट लेट होता तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस कम हो जाता था। पेशेंस खत्म हो जाती है। अभी एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन का, अभी मेरे साथ लाइव चैटिंग चल रहा था जस्ट अभी फ्यू मिनट्स बिफोर, यूएई का है। अच्छा, उसके बेटे का एडमिशन नहीं आया तो उसके लिए सबसे गंदे एजेंट हम बन गए कि हमारे बेटे का एडमिशन नहीं आया, आप ऐसे कर दिया, हमारे 2 महीने वेस्ट हो गए। मैंने कहा हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को दो दो तीन तीन साल हो जाते हैं, अगर एडमिशन नहीं आया है तो वी विल डूइंग अवर बेस्ट कि हम आपके लिए क्या कर पाएंगे, जहां हम आपको रिप्लाई ना करते हो, जहां हम आपको कभी अपडेशन ना देते हो, जब भी रिजल्ट आता हम इमीडिएटली आपको कन्वे करते हैं। बट वो कहता कि आप जैसे गंदे एजेंट्स का हमने आप तक देखे नहीं है, आप वीडियो डालते हो उसमें ऐसे ऐसी बातें करते हो, अभी हमारा एडमिशन नहीं आया तो आप हमें कहते हैं कि पेशेंस करें। पेशेंस मैं क्या करनी पड़ेगी, जहां तो ये है कि हमने आपसे कोई चीज हाइड की हो, जहां हम आपको अपडेट नहीं कर रहे हैं, जहां हम आपको फर्दर ऑप्शंस ना देते हो, इसके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले मैडम मैं ये भी पूछूंगा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? एमएससी मैथमेटिक्स किया हमने, एमएससी मैथमेटिक्स। आयल्स में कितने बैंड हैं? सिक्स ओवरऑल, 6 है। ईच बैंड, ईच मॉड्यूल में 6 स्कोर है। फिनलैंड ठीक है। तो आपका कौन सी कंट्री का अभी ये वीजा आया है? का है सर। फिनलैंड का है। मैडम इनकी 2 साल की जर्नी में इनका हमने कौन कौन सी कंट्री में डाला और कौन कौन से ऑप्शंस इनको प्रोवाइड किए थे, थोड़ा सा बताइए, करना आप मैडम से ऑप्शंस पूछते। तो सर ज्यादा प्रोवाइड किए थे बट ये इंटरेस्टेड नहीं थे। जो डाला है हमने, एक फिनलैंड में डाला और स्वीडन के लिए डाला था। तो स्वीडन का क्या एक्सपीरियंस रहा? स्वीडन का सर सर स्वीडन, इनका मैडम बोलिए, ज्योति मैडम। बोलो, स्वीडन का तो सर दोनों टाइम नहीं आया इनका। टू ठीक टाइम्स है, दोनों हमने अप्लाई किया था, दोनों बार नहीं आया। एक बार इनका एक प्रोग्राम में टू रहा था टाइम्स वेटिंग सिलेक्शन में, में, टू टाइम्स वेटिंग। दोनों टाइम वेटिंग में है, वहां से एडमिशन नहीं आ पाया। तो इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस दिए थे मैडम आपको हमने अपनी करनाल ब्रांच ने, की यहां पर डालिए? सर मेरे 2 ही ऑप्शन थे, मैंने और किसी का पूछा ही नहीं। फिनलैंड या स्वीडन का ही ऑप्शन थे, वहीं अच्छा, पर आप जाना सिंगल था। हैं? सिंगल है, मैरिड है? सिंगल है सर। सिंगल है, सिंगल है। तो अभी आपका फिनलैंड का स्टूडेंट वीजा मतलब अप्रूवल आ चुके आई थिंक सो, मेल पे कार्ड आ गया कि नहीं अभी? यस सर, कार्ड तो नहीं आया लेकिन अप्रूवल मंडे को आ गया था। तो हम आपकी क्या एज है मैडम? 34 इयर्स। तो आपने हमसे मिलने से पहले पहले भी कहीं ना कहीं तो जरूर ट्राई तो की होगी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आपसे ही किया ट्राई। नहीं तो हमें कहां से फाइंड आउट उससे करना है? वो हाँ जी, ना भाई देखता रहता था आपकी वीडियो, उन्होंने रिकमेंड किया था भाई ने। ठीक। तो आपने हमारी कभी वीडियोस भी देखी हैं? रेगुलर देखते हैं सर। अच्छा। तो ये 2 साल की जर्नी कितनी हार्ड रही है आपके लिए?
वैसे तो बहुत हार्ड ली रही है, क्योंकि पेशेंस बहुत मुश्किल से किया है और ऊपर से एज भी काफी हो गई है, इसीलिए काफी हार्ड तो रही है। गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा मैडम पे भी, मेरे पे भी। वीडियो बनाते हैं ऐसे हैं नहीं, गुस्सा नहीं, घर वाले जैसे मेरे को ना फ्रस्ट्रेट करते थे कि आप पूछो उनसे क्या रहा क्या रहा। मैं उनको कहती थी कि उन्हें भी कुछ नहीं पता, जैसे मैं हूं वैसे ही वो हैं। नहीं उनको इस तरह गुस्सा शांत करते थे घर वालों को। थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता होगा। वीडियो तो ऐसे बना रहे हैं बड़ी बड़ी हैं, मेरा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो आ रहा होगा जो नहीं सर, टेंशन कई बार टेंशन तो होती थी, बट क्या कर सकते हैं, जहां इतना पेशेंस किया इतना और सही। तो मैडम भी फोन फोन उठा लेते थे, ये भी इग्नोर करते थे कभी मैसेज का जवाब। नहीं ये नहीं, इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। चलो बढ़िया है, अच्छी होनी चाहिए इनकी, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी। जितने भी क्लाइंट हैं जो समझते हैं वो इनके ऐश कर लेते हैं, जो नहीं समझते वो अपना नुकसान करवाते हैं। आपको जो 2 साल की जर्नी में इतना तो पता चल गया होगा कि कितनी स्ट्रगल है और कितना मुश्किल जी है जब कहीं पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किल और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। और इवन जितना आपको प्रेशर था ना आपके, आपको उससे डबल प्रेशर्स हमें था, मैडम को था। मैडम को नींद नहीं आती थी। आप तो मैडम ने मुझे कल परसों बताया तो रोने लपड़े फोन पे, कहते रोने सर, ऐसे हुआ था। ऐसा ही हुआ था क्योंकि तो मैडम ना उस दिन ना जैसे 3 महीने से ऊपर ज्यादा हो गए थे और उनका प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ है। मेरे को लगा कि कहीं कोई फाइल में ही कोई दिक्कत हो, तो कहीं मैं उस साइड की भी ना रहूं ना उस साइड की, इसीलिए तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। लोग आपको वैसे यूके के लिए तो बहुत रिकमेंड करते होते, यूके भेज देते हैं आपको। नहीं, यूके के लिए गए हैं वैसे मेरे रिलेटिव्स, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं उनको पता है सब कुछ, वो जानते हैं सब कुछ, उन्होंने मना कर दिया था। आपने ये फिनलैंड और स्वीडन क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे क्या रीजन रहा? सर एक तो ना यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है एजुकेशन की, प्रैक्टिकल एजुकेशन कराते हैं, और काफी सारे रीजन, जैसे मैं जी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो उसमें ना फिनलैंड के बारे में काफी कुछ पढ़ती थी कि ठीक वो है, ऐसी कंट्री है, इसीलिए थोड़ा जाने का वहीं का सोचा कि वहीं देखते हैं कि हैप्पीएस्ट कंट्री कैसे है वो लास्ट 6 ईयर से। देखो जितना दुख डाला है उतना ही अच्छा, कि जब हैप्पीएस्ट कंट्री में भेज रहे हैं जितनी इरिटेशन आएंगी वो सारी वहां जाके खत्म हो जाएंगी। तो बाकी अभी वीजा तो आपका रेजिडेंसी कार्ड भी आ जाएगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है आपकी? 17 अगस्त से तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, जो बेचारों का डिले हो जाता है, जो टेंशन में रहते हैं, जो हमारे थ्रू लगे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए मैसेज मैसेज बस पेशेंस ही है। वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा मीठा होता होता है वो, है। देखिए वो फैक्ट है। तो उसका बताइए। रिजल्ट आया है, तो मतलब ओवरऑल देखिए इनका जितना भी एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है, 2 साल की जर्नी ये छोटी नहीं होती। ये हमें चेंज करके किसी और भी कंसल्टेंट के पास जाते, वहां पर भी पैसे इनके लगने थे, और हमें नहीं लगता कि हमारी जैसी सर्विस भी मिलनी थी, जैसे हम किस तरीके से कॉपरेट करते हैं क्लाइंट को और किस तरीके से हम क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं जितने हमारे पास ऑप्शंस हैं। फिनलैंड से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ वीडियोस हैं। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपने फिनलैंड में जाना है वहां जाकर ऐसी जूम मीटिंग्स भी देख सकते हैं जहां पर लाइव डिस्कशंस होती हैं। इवन वहां पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसको देखने के बाद डिसाइड करें कि आपने कौन से कंसल्टेंट की फर्दर सर्विस लेनी है अगर फिनलैंड में आपने जाना है। तो ये मैडम मैं यही प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हो, और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि कल अगर आपके पेरेंट्स ने फिनलैंड में आना हो तो ज्योति मैडम से जरूर कांटेक्ट करें। आपके फ्रेंड रिलेटिव ने भी फिनलैंड में हायर स्टडीज के लिए जाना हो, इवन किसी और भी कंट्री में जाना हो, तो इनकी सर्विस जरूर लें, क्योंकि शी इज वेरी कॉम्पिटेंट। ये आपको ऐसे ही कॉपरेट करेगी जैसे आपको किया है आपके क्लाइंट्स को भी। तो इसको फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद।